हेलो, हेलो सोनू, कौन बोल रहा है? सोनू का है। सोनू घर पे नहीं है, क्या हुआ? आप कौन बोल रहे हो? मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। सर मैं सोनू का दोस्त बोल रहा हूँ, विक्की। सर सोनू आपका DDA फ्लैट निकल गया। सर आपका DDA फ्लैट निकल गया। क्या बात कर रहा है? परसों हमने चेक किया था, तब तो नहीं निकला था। निकल गया सर, निकल गया सर। ये देखो किस्मत की बात है, मैं विक्की बोल रहा हूँ, उसका दोस्त है। किधर ये सोनू? पापा को बताया DDA फ्लैट निकल गया। अभी देखा मैंने, मैं दोबारा गया DDA की लिस्ट पे, मेरी जैसी नाम पड़ी है। मैंने कहा फोन करते हैं, पकड़ा बजाओ। वो निकल गया, निकल गया, वो निकल गया, वो निकल गया, वो निकल गया। मैं घर आऊंगा, पार्टी पार्टी होती है। घर आता हूँ, घर आता हूँ। ये निकला कब अपना? ये परसों निकला है। परसों जब DDA की लिस्ट आई है ना, मैं सबसे पहले, आपने पता नहीं जल्दबाजी में आपने क्या देखा था? अरे मैंने भी देखा था, हमारा तो नहीं निकला। अरे निकल गया यार, मेरे को यकीन है नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। करना क्या पड़ेगा अभी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब नहीं लेना, एलोकेट कैसे करना है? शादी कैसे मिलेगी? लोकेट क्यों करना है? अबे नया फ्लैट। अरे मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मिलेगा कब अपने को? आपको क्यों मिलेगा? तो मुझे नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? ना निकल तो गया मेरा। हाँ तो हाथ से निकल गया ना। हैं? अभी मैंने दोबारा DDA फ्लैट की स्कीम देखी थी, आपके नाम से था? मेरे भाई के नाम से था। हाँ वही, हाथ से निकल गया इस बार, फिर हाथ से निकल गया। ये दूसरी बार भर रहे हैं ये लोग, फिर से हाथ से निकल गया। तो मैंने कहा बता दूं यार, हाथ से निकल गया। क्या नाम बताया तूने अपना? मैं दोस्त बोलूं ना आपको उसका, विक्की। साला मेरा भाई भी साले तू। हेलो बेटा अनु, मैं यश का चाचा बोल रहा हूँ, और मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता था, क्योंकि आप भी कल यश की शादी में आए। और नहीं नहीं अंकल, वो तो आना ही था। मैंने कहा यार तेरे सारे दोस्त आए, अनु भी आई, तूने मिलवाया नहीं मुझे। तो मेरे नहीं, से अंकल, हम तो, हाँ जी आप बिजी चल रहे थे ना, हम तो खुद मिलना चाहते थे आपसे। क्योंकि आपकी बहुत तारीफें करी हैं इसने, कहा है कि बड़ी अच्छी हैं, और मेरे को अच्छा लगा आप पूरी फैमिली के साथ आए। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। नहीं अंकल आपने हमें बुलाया, माँ कितना खुश हुए, मतलब आना ही था। हाँ बस यही है फिर अनु, मैंने अभी, हम बैठे हुए थे, लफाफे पड़े हुए थे सबके, तो हम सारी फैमिली वाले ना बैठ के देख रहे थे, आपका भी लफाफा खोला। हाँ जी हाँ जी। सिर्फ 500 रुपए। यश से कहा, मैंने कहा शायद अनु से गलती हुई है, तो कह रहा है नहीं शायद यही मूड होगा उनका। सिर्फ 500 रुपए उसमें। जी अंकल वो तो सब ठीक है, और मैं तो बल्कि आपको कहना चाह रही थी कि जो आपने खाना टाइम पे शुरू किया, खाना बहुत सही टाइम पे शुरू हो गया अनु, पूरा अंदर मैंने ना झांक के भी देखा है, मतलब लिफाफे में आपके पूरा हाथ डाला है, तो एक ही 500 का नोट नहीं मिला। आप मानोगे नहीं, हमने आइसक्रीम भी खाई अंकल, बहुत बढ़िया था सब। मैंने तो पूरा फाड़ दिया वो लिफाफा, मैंने कहा शायद हो सकता 2 चिपके हुए हो, एक ही नोट था उसमें 500। हम भी प्लान करें अंकल कि आप लोगों को ना जल्दी बुलाएं, हमारे यहाँ भी शादी है एक्चुअली। उसको छोड़ो, आप वो तो बुला लेना, लेकिन मैंने ये देखा वो लफाफे में भी एक का कॉइन जो चिपका होता है ना, एक का सिक्का, वो तक नहीं था। मैंने कहा पूरी 500 दी है, सिर्फ 500। अनु मेरे को खुशी इस बात की हुई कि आप पूरी फैमिली के साथ आए थे, मतलब 2 बच्चे एक आपके हस्बैंड, सब नहीं खाया मेरे ख्याल से खाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शादी में आए तो खाना ही बनता है, खाना ही बनता, नहीं वो बनता है, लेकिन यार मैंने जैसे लिफाफा खोला, मैं यार सिर्फ 500। अनु बकवास बनकर पहले मेरा लिफाफा ही देखता रहे।